नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बस से यात्रा करने वाले बिहार वासियों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार के पहल के बाद ही अब बिहार के विभिन्न जिलों के बस यात्रियों को सहूलियत मिलने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार ने पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत बिहार के अलग अलग जिलों के बस यात्रियों के लिए बसों का परिचालन शुरू करने का ऐलान किया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है क्या। यह सरकार की एक योजना है जिसके तहत सरकार और प्राइवेट बसों के बीच एक करार होता है और प्राइवेट बसों को भी पथ परिवहन विभाग अपने अधीन संचालित करता है। हालांकि ध्यान रहे, यह करार वैसी एजेंसी से ही किया जाएगा जिसका अब तक अदालत से किसी भी तरह का कोई लेना देना ना हो, यानी अदालत में कोई मामला दर्ज ना किया गया हो, ना ही उस एजेंसी का नाम काले सूची में दर्ज किया गया हो। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि बस एजेंसी फर्म सरकार द्वारा पूरी तरीके से निबंधित हो। इस करार के हो जाने के बाद भी बस परिवहन निगम बसों को लेकर अपने अधिक तय रूटों पर चलाई जाएगी, जिसके तहत अब अगर कोई भी वाहन मालिक अपने बस का परिचालन करवाना चाहते हैं तो मुहर बंद लिफाफे में आवेदन दे सकते हैं। वहीं अगर हम परिचालित होने वाले बस रूट की बात करें तो इन बसों का संचालन मुख्य रूप से बिहार की राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर समेत कई जिलों में किया जाएगा। आपको बता दें, सरकार की इस नई योजना के तहत 22 रूट पर कुल 88 नई बसों का संचालन शुरू होने वाला है, जिनके नाम और पूरी जानकारी करार होने के बाद देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी इन रूटों पर बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान समय में यात्रियों को अत्यधिक भीड़ का सामना करना पड़ता है। इस नई व्यवस्था की शुरुआत हो जाने से जिले वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें, बिहार में एक बहुत बड़ा तबका बस से सफर करने वालों में से है। ऐसे में बसों के परिचालन की संख्या बढ़ाने से बिहार के यात्रियों को बेशक बड़ी मदद मिलेगी, साथ ही उन्हें सफर करने के लिए परेशान भी अब नहीं होना होगा। हालांकि बसों के परिचालन को लेकर सरकार भी समय समय पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाती रही है, जिसके कारण ही बिहार में बस यात्रियों का सफर आज के समय में काफी सुगम हो गया है। इसी कड़ी में हाल ही में बांकीपुर एम्स और बांकीपुर पटना साहिब रूट पर इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हुआ था। वर्तमान में शहर के भीतर केवल दो रूट, बेली रोड और एयरपोर्ट रूट पर ही इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन हो रहा है, लेकिन अब ऐसे रूटों की संख्या 4 हो गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।